हाँ जी, क्या हाल है? तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि कंसाइनमेंट पे बना दें वीडियो, देखते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। ओके, ये समझने के लिए पहले तो ये समझते हैं कि कंसाइनमेंट क्या होता है। तो देखिए, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमें बेचने के लिए, लेट्स से यू आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट इन अ डिफरेंट मार्केट जिधर मैं खुद एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, तो उस मार्केट में जाने के लिए इधर आई हैव टू गो देयर माई सेल्फ, ओपन माई न्यू ब्रांच एंड देन सेल माई प्रोडक्ट। और व्हाट आई कैन डू इज आई कैन हायर समवन एंड नॉट मेकिंग माई पार्टनर, क्योंकि पार्टनर अगर उसको बनाया तो देट माइट बी पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर। सो पार्टनर बनाने के बजाय आई कैन मेक हिम माई एजेंट। तो जो बंदा एक्चुअली सेल करता है प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कंसाइनर, ठीक है? और जिस बंदे को कंसाइनर अपना प्रोडक्ट बेचता है, फॉर जो एजेंट होता है बेसिकली, उस एजेंट को बोलते हैं कंसाइनी। सो दिस गाय कंसाइनर इज द रियल रियल गाय हु इज एक्चुअली सेलिंग द प्रोडक्ट, एंड द कंसाइनी इज द एजेंट। And this entire arrangement between the consigner and the consignee is called a consignment. So, what we have to do is, हमें जो ज़्यादा हमारे सिलेबस में है वो है from the point of view of consigner, के consigner की books में हमें दो accounts बनाने होते हैं। I'll also cover कि हमें consignee की book में क्या accounts बनाने होते हैं। Basically, consignee only makes one account. Which we'll cover in like the next 5 minutes, but consignor makes two accounts, and so let's do accounting for consignor. Okay, so basically the consignor will make two accounts. एक account वो बनाता है जिसका वो नाम रखेगा consignment account. ठीक है, द एम ऑफ दिस अकाउंट इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट एंड ऑल्सो टू डिटर्मिन एंड डू द अकाउंटिंग एंट्री फॉर इन्वेंट्री। ठीक है, दिस अकाउंट इज प्योरली मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंसाइनर, जिसका अपना प्रोडक्ट होता है। तो नाउ लेट्स सी कि इस अकाउंट में अकाउंटिंग कैसे होती है। सो बेसिकली व्हाट द कंसाइनर विल डू इज, वो इस अकाउंट में जितने भी कॉस्ट होगी जो वो स्पेंड करेगा इन सेंडिंग द कंसाइनमेंट, आई विल फ्रेम एन एग्जांपल अभी और उसके थ्रू समझाता हूँ। तो लेट्स से देयर इज अ गाय कॉल्ड पटेल, और मिस्टर पटेल ने एक अपना एजेंट अपॉइंट किया नेपाल में। ठीक है, मिस्टर पटेल या पाकिस्तान में होते हैं, उन्होंने नेपाल में एक अपना एजेंट असाइन कर दिया जिसका नाम था यादव। ठीक है, सो अब यादव को मिस्टर पटेल गुड्स भेजेंगे। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको उन गुड्स की पहले तो बेसिक कॉस्ट बताएगा। तो अस्यूम करते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, पटेल ने यादव को 300 यूनिट्स सेंड करे उस प्रोडक्ट के। मैं अगले पेज पे ना इसकी पूरी डिटेल्स लिख देता हूँ। सो लेट्स से 300 यूनिट्स पटेल ने भेजे, उसकी जो कॉस्ट पटेल को आई थी पाकिस्तान में, दैट वाज डॉलर्स में कर लेते हैं, आसान होगा, दैट वाज डॉलर 70 ईच। ठीक है, अब जब हम अपने कंसाइनी को प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट इटसेल्फ ही कॉस्ट नहीं आती है, वी ऑल्सो हैव टू सेंड द प्रोडक्ट। तो उसकी जो सेंडिंग कॉस्ट होती है वो भी इनिशियली तो कंसाइनर ही भरता है, और जो रिसीविंग कॉस्ट होती है वो ऑब्वियसली कंसाइनी भरता है, बट उसका भी क्या करते हैं हम देख लेते हैं। सो लेट्स से 300 यूनिट्स कॉस्टिंग $70 ईच, देयर वर शिपिंग चार्जेस, let's say $800, then there were
let's say there was an export duty jo Pakistan se lagi, and that was around $600, and then there was transit insurance. Ye sari cost Mr. Patel ne pay kari hai, sahi hai? Which is, let's say, $80. Okay. अब मैं रेड में लिख रहा हूँ वो कॉस्ट जो मिस्टर यादव ने पे करी होगी. तो लेट से वहाँ पे जब गुड्स रिसीव किए, सो देयर वाज एन इंपोर्ट ड्यूटी व्हिच यादव हैड टू पे, एंड दैट वाज लेट से $1,000. ओके, देन देयर वर लैंडिंग चार्जेस ऑन दैट पोर्ट ऑफ नेपाल. और लैंडिंग चार्जेस थे लेट से $200. ठीक है, और फिर देयर वाज फर्दर ट्रांसपोर्टेशन जो लेट से नेपाल के पोर्ट से यादव भाई की दुकान में जाने के लिए जो कॉस्ट थी, दैट वाज लेट से $160. ओके, सो द ऑल ऑफ दिस इज पेड बाय यादव, एंड द ब्लू वन वाज paid by Patel. ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी रेवेन्यू की बात कर लेते हैं. तो देखते हैं रेवेन्यू में क्या हुआ. सो हमें लिखा हुआ क्वेश्चन में मिस्टर यादव सोल्ड $250 at $180 each. So अब इसका क्या मतलब हुआ, 50 units अभी भी बच गए. अच्छा फिर यहाँ लिखा हुआ है यादव विल गेट 10% कमीशन. ठीक है, फिर लिखा हुआ यादव ऑल्सो पेड $500 फॉर मार्केटिंग, कि भाई ये नया प्रोडक्ट आया पाकिस्तान से तो बहुत टाइट प्रोडक्ट है, उसने उसकी मार्केटिंग करी तो उस पर उसके $500 लग गए. अब ये पूरी सिचुएशन है, हमें एग्जामिनर पहले तो बोलेगा कि इन द बुक्स ऑफ पटेल, हमें थोड़ी अकाउंटिंग करनी होगी इन द बुक्स ऑफ पटेल. ओके, जब पटेल की बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे तो हम पहले बनाएंगे उसका कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसकी मैं आपको पिछली स्लाइड पे बात कर रहा था. सो लेट्स मेक इस कंसाइनमेंट अकाउंट हेयर. ओके, ये सारी इसकी डिटेल्स आ गई हैं, तो हम यहाँ बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट. ओके, आई यूज़ let's say I'll use green for that. Okay, for the answer. Okay, so this is the consignment account. Okay, so pehla kaam to ye kiya Patel ne, that usne goods bheje. So jo bhi goods hote hain, you can just write goods or purchases. So I write goods here, एंड 300 यूनिट्स हैं एट $70 ईच, जिसका मतलब होता है 21,000 का हमने कंसाइनमेंट लगाया, विच इज़ 300 टाइम्स 70. ओके, ठीक है, देन जो भी चार्जेस पटेल पे करेगा, ऑल ऑफ दोज शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट विद द नेम ऑफ बैंक, बिकॉज वो अपने बैंक को क्रेडिट करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा. तो ही विल राइट बैंक, बैंक, बैंक. इट्स बेटर राइट एवरीथिंग अलग अलग ब्रैकेट में. वी कैन राइट द नेम ऑफ द ट्रांजैक्शंस. सो देयर इज शिपिंग चार्जेस, देयर इज एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंड देयर इज ट्रांजिट इंश्योरेंस. ओके, ये आ गई 800, 680. ठीक है, बट देन जब गुड्स पहुंच जाएंगे यादव के पास,
So then there are certain costs which Yadav would be paying, right? So whatever Yadav pays for this consignment, Patel is not going to record it with the name of bank because he will not credit bank. Yadav uske behalf pe payment kar raha hai, so he'll say consignment debit, Yadav credit. So he'll record like this. He'll say Yadav, who's the agent, then Yadav again, and these three costs, jo Yadav ne hamare behalf pe pay kari hain, wo humne idhar likh di import duty, landing charges for the transport. 1,200, 160. Obviously, Yadav will ask for the verification and bills and everything. Sorry, Patel will ask Yadav for all of this, but yeah. Achha ji. Ab revenue dekh lete hain. To yahan likha hai Yadav sold 250 units at 180 each. So hum yahan likhte hain again Yadav, because now we'll debit Yadav and credit consignment, because now this is opposite of Yadav spending money on our behalf. He is actually collecting money of on behalf. He is selling the goods. Goods to hamare hain, paisa to hame milna chahiye, right? Okay, so 250 into 180 kya hota hai? Wo uski sales hongi na? Yahan bracket mein likh bhi dete hain sales. 250 into 180 hota hai 45,000. Ab jo sabse badi complication hai wo ye ki humne usko goods to bheje the 300, but usne abhi tak sirf 250 bheje. So if he has only sold 250, that means 50 units are still left. And humne usko commission bhi dena hai aur usne marketing ki bhi cost pay kari. So what I'm trying to say is, agar 300 ke 300 bik gaye hote, then there would be no balance carried down in the consignment account. But right now there has to be a balance carried down in the consignment account, which will be your inventory. Theek hai, ab inventory ki value kaise milegi? हमें इन्वेंट्री के यूनिट्स तो मिल सकते हैं. इन्वेंट्री के जो यूनिट्स हैं वो तो होंगे 50. Why 50? Because we send him 300 and he's only sold 250. और कोई ओपनिंग इन्वेंट्री तो है नहीं, होगी नहीं कभी. सो यहाँ पे यू हैव टू मल्टीप्लाई 50 बाय समथिंग. अच्छा, अब वो दैट समथिंग होगी जो भी टोटल कॉस्ट है कंसाइनमेंट में, बट एक्सक्लूडिंग मैंने देखो अभी तक लिखी नहीं है. ये जो वाइट वाली कॉस्ट है ना, ये मैंने जानबूझ के अभी तक कंसाइनमेंट अकाउंट में डाली नहीं है. मैंने इसलिए नहीं डाली बिकॉज स्टॉक निकालने के लिए आई डोंट नीड दिस. टू कैलकुलेट स्टॉक आई डोंट नीड कि कितना यादव को कमीशन मिलेगा, और क्योंकि स्टॉक वो 50 यूनिट्स हैं जो मेरे पास बच गए हैं, उन पे तो अभी तक हमने कमीशन दिया ही नहीं है. वो तो हम कब देंगे? जब यादव हमारे लिए वो प्रोडक्ट बेच देगा. तो एंड प्लस जो मार्केटिंग कॉस्ट पे करिए, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड लाइक अ कॉस्ट फॉर दिस पीरियड ओनली. उसको हम अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सेलिंग कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है. ठीक है, बहुत लोग सोचने से फिर तो ट्रांजिट इंश्योरेंस भी नहीं होनी चाहिए, बट ये सारी कॉस्ट इसलिए हमारी कॉस्ट में जाती है बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज नेसेसरी कॉस्ट एंड ही हैड टू पे ऑल ऑफ दिस इन ऑर्डर टू गेट द गुड्स डिलीवर टू यादव. और उसके बाद जब यादव के पास पहुंच गए, उसकी दुकान में आ गए गुड्स, उसके बाद अगर कोई खर्चा कर रहा है वो इंक्लूड नहीं हुआ. तो हम ये देखते हैं कि अभी तक का खर्चा टोटल कितना हो गया. तो इफ़ यू एड द डेबिट साइड, यू विल गेट टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंसाइनमेंट फॉर द सेक ऑफ स्टॉक टेकिंग. ठीक है, आई नो अभी इसमें कमीशन और मार्केटिंग कॉस्ट डालना बाकी है. तो डेबिट साइड का टोटल बनता है 23840. लेकिन ये जो कॉस्ट है कितने यूनिट्स की है? ये 300 यूनिट्स की कॉस्ट है. तो हम डिवाइड करते हैं 300 से और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से. क्यों? बिकॉज 300 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आई गेट कॉस्ट ऑफ वन यूनिट. इफ़ आई मल्टीप्लाइड बाई 50, आई गेट कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स. तो ये आ जाता है तकरीबन 50 इज़ मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो आई गेट 3973. उसके बाद हम जो वो वाली कॉस्ट थी जो बच गई थी उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, बिकॉज अभी हमने इसको कमीशन भी देना है. सो वी हैव टू गिव हिम कमीशन. सो आई राइट कमीशन हियर एंड दैट हैज़ टू बी 10%. सो कमीशन शुड बी 4500. रिमेंबर, कमीशन विल ओनली गिव ऑन द वैल्यू जो उसने सेल करी है. ठीक है, तो सेल्स की वैल्यू है, उस पर उसको कमीशन मिल गया.
And then Yadav also paid some marketing cost of 500. So the total cost of the consignment is not 23840. It's like ye 5000 bhi isme include hona chahiye. Sahi hai, main is wale 5000 ki baat kar raha hu. Jab total cost aayegi. Lekin stock taking ke liye wo include nahi hona chahiye. Ab humne ye jo sab kuch dal diya, to ab hum simply consignment ka profit nikal sakte hain. Aur wo hoga jo is account ka difference hai. Matlab 45000 plus 3973 minus all of this karenge to aapko ek profit ki value milegi. Just consignment ka in 250 units ka profit hai kyunki 50 units ko aapne next month pe defer kar diya. Theek hai, to ye profit kaise nikale? To jo profit aayega wo aayega 20133. Sahi. Acha, ek specimen paper mein bada difficult case hai jisme sab kuch yahi hai question, but unhone hame profit diya hua. सही, जैसे ये 20133 दिया हुआ, लेकिन उस क्वेश्चन में ना उन्होंने हमें सेल्स नहीं दी, जैसे ये नहीं दिया हुआ. अब मसला ये होता है कि अगर सेल्स नहीं दी हुई हो तो हम फिर ऑब्वियसली कमीशन भी निकाल सकते हैं. अच्छा, उसमें स्टॉक वगैरह सब दिया हुआ, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं आपको प्रॉफिट दे देता इस सवाल में भी, अगर मैं आपको प्रॉफिट देता एंड इफ आई डोंट गिव यू द सेल्स एंड सो देन ऑब्वियसली यू डोंट हैव द वाइट अवेलेबल राइट, बट यू डू हैव द प्रॉफिट अवेलेबल. तो फिर उस रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, तो उसमें हम ये करते हैं कि हम बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करते हैं और इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं. बैलेंसिंग फिगर मतलब व्हाट वी डू इज ऑब्वियसली हम जब सब कुछ लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी एक वैल्यू नहीं है और सॉरी जी यहाँ पे भी एक वैल्यू नहीं है और यहाँ पे भी एक वैल्यू नहीं है. तो हम ये कर सकते हैं हमारे पास जो भी वैल्यू अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर बने. जैसे अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है, आगे ये नहीं लिखा हुआ लेकिन आपके पास 3973 लिखा हुआ है, आपके पास ये पूरा 21,800, 600, 80,000 सब कुछ लिखा हुआ है, सही है, बट यू डोंट हैव द 4500, यू हैव द 500 एंड यू ऑल्सो हैव द 20133. सो व्हाट यू कैन डू इज आप इस अकाउंट का मिसिंग फिगर निकाल लें. जो भी मिसिंग फिगर होगा वो सेल्स नहीं होगा, वो नेट सेल्स होगा, मतलब सेल्स माइनस कमीशन होगा. तो जैसे कमीशन अगर 10% है, तो जैसे इस केस में अगर हम उसका मिसिंग फिगर निकाल रहे होते हैं ना, अगर आप इस केस में भी निकाल के देखें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो वैसे वो होगा 40,500. ठीक है, तो इसका मिसिंग फिगर आ रहा है वो नेट है ऑलरेडी. फिर आप बोल सकते हो कि यार 40,500 तो 90% है, सो देन हाउ मच शुड बी 100% और इसके लिए सॉल्व कर लो. एंड अगर कमीशन 8% होता देन आई वुड से 92, 15% होता तो 85. ठीक है, बट दैट इज़ ओनली जब प्रॉफिट दिया और आपको सेल्स और कमीशन नहीं पता हो. ठीक है, सो दिस इज़ इट, दैट्स योर कंसाइनमेंट अकाउंट. अब हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि जो पटेल साहब हैं वो अपने कंसाइनी का अकाउंट कैसे बनाएंगे. हाउ विल दिस, वी आर स्टिल इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड नाउ एक उसने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया अपना प्रॉफिट निकालने के लिए. अब एक वो कंसाइनी अकाउंट बनाएगा which in this case will be Yadav's account and वो बनाएगा just to see जैसे कितने पैसे देने हैं कितने पैसे लेने हैं. ठीक है, but in order to make that account we'll need this account which he just made. So I'll keep this here and we can make the consignee account in the books of Patel. We're making account for Yadav. ओके, सो पहला काम तो हमें ये करना चाहिए कि जहाँ जहाँ यहाँ पिछले अकाउंट में यादव है उस एंट्रीज को पोस्ट कर दें. हमने यादव को एक सेल्स करी है या यादव ने हमारे बिहाफ पे एक सेल्स करी है 45,000 की. तो मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि इधर क्रेडिट है. फिर जो यादव ने एक्सपेंसेस पे किए हैं 1000 के, देन 200, देन 160, देन इज कमीशन, देन इज मार्केटिंग, तो वो हमसे ऑब्वियसली रिकवर करेगा सारी चीज़ें. सो देयर वाज इंपोर्ट ड्यूटी, देयर वर लैंडिंग चार्जेस, फर्दर ट्रांसपोर्ट, नो नॉट फर्दर ट्रांसपोर्ट, या दिस इज फर्दर ट्रांसपोर्ट, दिस इज कमीशन एंड दिस इज द मार्केटिंग कॉस्ट.
सही है, तो अभी इतने पैसे हमने अभी यादव से लेने। अच्छा क्वेश्चन में अगर वो बोलता कि यादव पेड ऑल इज अकाउंट बाय चेक, तो हम इस अकाउंट में कैरेट डाउन नहीं लिखते। अभी तो जो भी कैरेट डाउन आएगा वो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कैरेट डाउन नहीं लिखते, बैंक लिख देते। अगर वो बोलता कि यादव ने हमें, जैसे अगर आप अभी रफ आइडिया भी लगाओ तो इसके कुछ 38,000 समथिंग बचते हैं। अगर बोलता उसने 20,000 दे दिए, तो हम यहाँ बैंक में 20,000 लिख के बाकी बैलेंस कैरेट डाउन कर देते। सही है, सो यू कैन सॉल्व द वर्कशीट नाउ आई होप। अच्छा अगर वो पूछ ले कि इन द बुक्स ऑफ यादव मेक द अकाउंट फॉर पटेल, तो वो फिर यादव की बुक्स में होगा। ठीक है, तो वो पटेल का जो अकाउंट है वो यादव बनाएगा, एंड उसका जो है वो उससे ताल्लुक नहीं होगा, ये कंसाइनमेंट अकाउंट है। ईजीएस्ट वे टू रिमेंबर इट इसकी, यही यादव का जो अकाउंट है ना जो पटेल ने बनाया, अगर आप उसी को अपोजिट कर दें, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो एक ही हो रही है, सो दिस विल बी लाइक अ सप्लायर अकाउंट बिकॉज पटेल से वो सामान खरीद रहा है, बट ही वोंट कॉल इट परचेजेस बिकॉज वो तो सिर्फ उसका एजेंट है। तो आप ये जैसे ये सेल्स है ना, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कंसाइनमेंट 45,000। ठीक है, जिस इस अकाउंट को रिवर्स कर दें, पटेल से हमने इम्पोर्ट ड्यूटी हमने उसके ब्याह पे कर दिया, लैंडिंग चार्जेस, ये कमीशन, मार्केटिंग, दिस अकाउंट रिवर्सेस। ठीक है, और जो बस जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो आ जाएगा, बट ये चीज़ वो मानता नहीं है, एज इन डजंट आस्क यू फॉर अकाउंटिंग फॉर कंसाइनी, कि वो अपने अकाउंटिंग कैसे करेगा। हमें मेन दो अकाउंट्स पर फोकस करना है, दैट द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड यादव्स अकाउंट। सो आई होप यू गेट इट, एंड सो दूसरी भी वीडियोस बनाता हूँ, और एंड वोंट बी एबल टू टेक एनी क्लासेस क्योंकि जा रहा हूँ मैं, अभी जहाज़ में बैठा हूँ, इसलिए शायद थोड़ी अजीब वेयर्ड आवाज़ें भी आ रही हैं। खैर चलें जी, ओके, खुदा हाफिज़।